आलोक वर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आज जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और जब प्रधानमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं डबल इंजन की सरकार का, लेकिन उस दौरान भी आपको लगता है कि अब जो पश्चिमी यूपी के अंदर एक नए तरीके की राजनीति चलाने की जो कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है दो लड़के पार्ट टू एक बार फिर से जब शुरू हुआ है 2017 में कांग्रेस के साथ जब गठबंधन किया जाता है तो नतीजों के बाद वो टूट भी जाता है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में कारगर होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार का नारा है उसको कहीं पीछे छोड़ देगा? आलोक वर्मा जी अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बताएं। 2017 आपको याद है और मुझे भी अच्छी तरीके से याद है कि 2017 के उस समय में उस वक्त में किस तरीके से राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में खाट सभाएं निकाल रहे थे और अखिलेश यादव की जब सरकार वहां सरकार गई और इलेक्शन हुआ तो किस तरीके से उन्होंने काम बोलता है और बाद में दोनों ने गठबंधन किया, बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन किया था, क्या नतीजा आया था आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। 403 सीटों में कुल मिला के 54 सीटें दोनों पार्टियों को हासिल हुई थी। दो साल बीता 2019 में एक बार फिर से उन्होंने गठबंधन किया मायावती के साथ, आप लोग कह रहे थे शानदार गठबंधन है, ऐतिहासिक गठबंधन है, पहली बार इस तरीके का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहीं सर्वाइव नहीं कर सकती, और किस तरीके का नतीजा उस समय आया, उस समय कुल मिला के दोनों पार्टियों को 15 सीटें मिली, 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को, और गठबंधन किस तरीके से टूटा इतिहास की बात है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी पंचायत चुनाव हुआ, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की है, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उत्तर प्रदेश का नतीजा आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं।